गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं और आज देख सकते हैं हम जा रहे हैं देहरादून। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि हमारे गांव में जो शादी थी, तो आज उनकी बारात भी है और हम वहाँ जाने वाले हैं बारात में। और उससे पहले हम दादी को लेके जाने वाले हैं हॉस्पिटल, थोड़ा दादी का चेकअप कराएंगे और उसके बाद वहीं से हम बारात में चले जाएँगे। तो अभी तो हम लोग जा रहे हैं देहरादून, हम सब, और सिर्फ मम्मी नहीं है और सब है। तो मम्मी भी बारात में आएगी, जब इधर से बारात की गाड़ी आएगी गांव से, तो मम्मी उनके साथ आएगी और हम लोग पहले जा रहे हैं क्योंकि अभी दादी को भी दिखाना है। तो अभी तो हम जा रहे हैं, आगे आगे आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या हो रहा है। तो चलो चलो चलते हैं। सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं सुआखोली में। अभी तक सब कुछ कुशल मंगल है। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे रुक गए हैं थोड़ी देर क्योंकि हम थोड़ा थक गए हैं, और मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। आज गाइस यहाँ पे बहुत भीड़ दिख रही है, गाड़ियाँ गाड़ियाँ आ रही है क्योंकि आजकल घूमने का टाइम भी है और लोग घूमने आजकल ऊपर की तरफ जाते हैं, हमारी साइड ठंडे की तरफ और मसूरी की साइड, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। गाइस, अब हम पहुंच गए हैं देहरादून। गाइस, अभी हम दादी के यहाँ डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं और अभी हम पार्किंग में गाड़ी लगाने डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं और अभी हम दादी को यहाँ पर थोड़ा दादी को चेकअप कराएंगे और उसके बाद जाएंगे ताऊजी लोगों के घर पे और फिर देखते हैं हम बारात के लिए तैयार भी होंगे। तो अभी तो काफ़ी टाइम है हमारे पास कि गांव से बारात में आने में टाइम लगेगा, तो तब तक हम यहाँ पे ये वाला काम कर लेते हैं। तो गाइस ये देखो आ गए हैं देवी दवाई। सो गाइस, हमने अभी दवाई भी ले ली है और हम जा रहे हैं। भूख बड़ी कड़ी है गाइस और गर्मी भी आ रहा है। हमारे तो घर में इतनी गर्मी नहीं थी, थोड़ा ही थी, और यहाँ देहरादून में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है ना दादी, यहाँ बहुत गर्मी है। दादी पूरी ठीक हो गई है और अब हम जा रहे हैं ताऊजी लोगों के घर पे। चेक करो यार, फिर ताऊजी के यहाँ जाऊँगी। कुत्ता हमारे बगल में ही चल रहा है। सो गाइस, अभी मेरी आइसक्रीम भी आ गई है और हमने कुल्फी मांगी थी और पागल दुकान वाला ये दे रहा है, सॉफ्टी दे रहा है कुल्फी। सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं ताऊजी लोगों के घर पे। तो चलो अंदर चलते हैं। लेडी हाय, ये यार पकड़ दू मैं होते हैं। और ये देखो गाइस ताऊजी, हमको पहले कैसे पहचान दिया? जब वो पार दे हो गया वो हट मेरे को। आप कहाँ से हैं? स्कूल से यार। नहीं, गेट तो खुला ही नहीं। ये देखो गाइस, खाना खा रहे हैं। दादी तो सो फाइनली गाइस, हम अभी रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं। तो मैं आपको सब लोगों को दिखाती हूँ। ये है श्रद्धा और ये पापा, अभी पापा रेडी नहीं हुए, वहीं होंगे। और ये आयुष्मान है। अरे आयुष्मान कैसा आएगा? देखो गाइस, ये अपने भी आ गया है। क्या हुआ गाइस? शायद इसके आँख में कुछ घुस गया है, रो रहा है बच्चा। तो फाइनली गाइस, हम तो पहुंच गए हैं। बहुत मुश्किल से हमें मिला ये वेडिंग पॉइंट, इतनी देर से मिल ही नहीं रहा। ये देखो सिमरन भी आ गई है, हम दोनों फाइनली फिर मिल गए। इधर को, ये देखो गाइस, ये देख सकते हैं आपको, हम यहाँ पे हो गए हैं अंदर जाने के लिए रेडी। फिर बिंदी हट गई। Thank you.
देखो अभी सरदार जा रही है यहाँ पे गोलगप्पे खाने। पहले मेरा सो गाइस पहला मैं ले लेती हूँ, बहुत मुश्किल से मिला एक। चाउमीन खाते हुए लोग भैया दिखाओ चाउमीन क्या खा रही है, टिक्की खाएंगे अभी मेरे लिए। भाई तो भूख खोल भूख होंगे आप क्या खानू का खान दो। अमित थाली दिखा रही हूँ मैं, कोई ज्यादा मत खा लेना कहीं। अरे भाई आज हमारे शादी में और शादी में खाने का स्वाद एकदम बढ़िया है। बढ़िया था, मिर्च ज्यादा नहीं है, बहुत ही बेहतरीन बना ठीक है। तो गाय जिनका काम जो है सलाद ही सलाद से चल रहा है क्योंकि ये बाहर का खाना नहीं खाते हैं। तो गाइस ये हैं दूल्हे राजा विवेक लेखवार जी और इनकी शादी आज, अभी दुल्हन आई नहीं, बहुत टाइम हो गया इंतजार करते करते, पर इनकी जो होने वाली पत्नी वो अभी तक पहुंची नहीं है। आई कहाँ रहते हैं और सुबह अपने घर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं।